सीखने के उद्देश्य। इस यूनिट में यूजर कंप्यूटर फॉन्ट्स तथा हाइपरटेक्स्ट के इन सब पहलुओं का अध्ययन करेंगे। मल्टीमीडिया में टेक्स्ट का उपयोग, फॉन्ट्स फैमिलीज तथा फेसेस, आउटलाइन फॉन्ट्स, बिटमैप फॉन्ट्स, अंतर्राष्ट्रीय कैरेक्टर सेट्स तथा हाइपरटेक्स्ट, डिजिटल फॉन्ट्स तकनीकें। कंप्यूटर फॉन्ट्स तथा हाइपरटेक्स्ट परिचय। इस पाठ के अध्ययन के बाद आप इन सब में सक्षम होंगे, शब्दों के चयन के महत्व को समझने में, फॉन्ट और टाइपफेस में अंतर की व्याख्या करने में तथा फॉन्ट के कम से कम 3 लक्षणों को बताने में, टेक्स्ट के महत्व तथा इसके मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन में प्रयोग के तरीकों का वर्णन करने में, विंडोज तथा मैकिंटोश प्लेटफॉर्म पर टेक्स्ट की प्रस्तुति का वर्णन करने में, फ्री तथा शेयरवेयर फॉन्ट्स के स्रोतों का पता लगाने में, हाइपरमीडिया, हाइपरटेक्स्ट, लिंक्स, एंकर्स तथा नोट्स को परिभाषित करने में तथा हाइपरटेक्स्ट और हाइपरलिंकिंग सिस्टम के सामर्थ्य तथा सीमाओं का वर्णन करने में, लिखित शब्द का इतिहास, टेक्स्ट तथा संकेतों का संचार के लिए प्रयोग का इतिहास ज्यादा प्राचीन नहीं है और इसका विकास आज से 6000 वर्ष पहले भूमध्य सागरीय उर्वर अर्धचंद्र क्षेत्र मेसोपोटामिया, मिस्र, सुमेरिया तथा बेबीलोनिया में हुआ, जहां सबसे पहले अर्थपूर्ण चिन्ह मिट्टी की तख्तियों पर कुरेदे गए थे और उन्हें धूप में सुखाया गया था। सबसे पहले जो संदेश लिखित में संचारित हुए थे उनमें मुख्य रूप से मानव प्रबंधन, राजनीति तथा करों से संबंधित सूचनाएं थीं। क्योंकि इस नए माध्यम में निर्बल मानव द्वारा कंठस्थ करने की जरूरत नहीं थी, इसलिए लिखित संदेश उच्च वर्ग के लोगों में प्रचलित हो गया। आज टेक्स्ट तथा इसे पढ़ने की क्षमता ने शक्ति तथा ज्ञान के दरवाजे खोल दिए हैं। सभी आधुनिक संस्कृतियों में पढ़ना तथा लिखना एक अति आवश्यक योग्यता मानी जाती है। अब शब्दों में आपके निपुणता के आधार पर आपको डॉक्टरेट की भी उपाधि मिल सकती है। टेक्स्ट अभी भी उन सूचनाओं को पहुंचाते हैं जिनके प्रभावी अर्थ हों। 15वीं शताब्दी में जब पूरे यूरोप में चर्च का बोलबाला था, योहानेस गुटेनबर्ग, जो कि मिंज जर्मनी में एक प्रशिक्षित स्वर्णकार थे, ने प्रिंटिंग प्रेस के लिए मूवेबल टाइप का आविष्कार किया। इस नए आविष्कार का प्रयोग उसने धार्मिक ग्रंथों, इंडल्जेंस स्लिप तथा होली बाइबल छापने में किया। इंटरनेट तथा वर्ल्ड वाइड वेब की वृद्धि के बाद टेक्स्ट और भी महत्वपूर्ण हो गया है। वास्तव में वेब की मूल भाषा HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, जो प्राथमिक रूप से सरल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, जिसमें कभी कभी ग्राफिक जैसे चित्र भी होते थे, को कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाने के लिए डिजाइन किया गया था। हम इंटरनेट को ऐसे माध्यम में सर्व कर सकते हैं जो पुस्तक के पन्नों से ज्यादा भरपूर होती है। जैसे जैसे वेब परिपक्व होगा, लोगों के सूचना को एक्सेस तथा उपयोग करने के तरीकों पर इस टेक्स्ट आधारित माध्यम का सामाजिक प्रभाव बहुत ही गहरा होगा। टेलीविजन, जिसमें ध्वनि तथा चित्र से समाहृत माध्यम है, जिसमें कुछ टेक्स्ट हेडलाइंस निष्क्रिय दर्शक के समझ के सबसे निचले स्तर पर होते हैं, इससे अलग वेब एक सक्रिय अनुभव देता है, जिसमें दर्शक के लिए पर्याप्त विकल्प होते हैं, जो एक तेज दिमाग वाले के लिए भी चुनौतीपूर्ण होते हैं। अर्थ की शक्ति। एक अकेले शब्द में सैकड़ों अर्थ छिपे हुए हो सकते हैं, अतः जब आप टेक्स्ट का उपयोग करना प्रारंभ करें तो विशिष्ट शब्दों के चयन में परिशुद्धता तथा संक्षिप्तता का विकास करना महत्वपूर्ण हो जाता है। मल्टीमीडिया में ये वो शब्द होंगे जो आपके टाइटल, मेन्यूज, नेविगेशन एड्स के साथ साथ आपके वर्णन तथा विषय वस्तु में शामिल होंगे। मल्टीमीडिया ऑथर्स शब्दों, चिन्हों, ध्वनि तथा चित्रों को बुनते हैं और टेक्स्ट को इनके साथ मिश्रित कर एकीकृत या इंटीग्रेटेड टूल्स तथा इंटरफेस का निर्माण करते हैं, जो संदेश तथा डेटा के उपार्जन, प्रदर्शन या डिस्प्ले तथा प्रसारण में काम आते हैं। अपनी आंखें बंद करें और टेक्स्ट को सुनें। आपके मस्तिष्क में कौन सा चित्र बनता है? समुद्र की लहरें, बच्चे का रोना,
रात का अंधेरा, उल्लू की भेदती हुई ध्वनि। अब अपनी आंखें खोलें। इनमें से प्रत्येक ध्वनि हमारे मस्तिष्क में एक चित्र बनाती है। ये सभी अमिश्रित संवेदी संदेश आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे आपके लिए कुछ अर्थ रखते हैं। वास्तव में सिर्फ आप ही जानते हैं कि कौन सा शब्द आपको गुस्से में पागल कर देगा, या फिर एकांत दो लोगों को रात के भोजन पर आपको लुभाते हुए प्रसन्न कर देगा। इन शब्दों के अर्थ हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प का आप चयन करना चाहेंगे? पीछे जाएं या पिछला, छोड़ दें या बंद करें? बहुत अच्छा, और उत्तर सही था। शब्द तथा चिन्हों के कोई भी रूप, बोलचाल या लिखित, सबसे सामान्य सूचना देने की प्रणाली हैं। वे ज्यादा से ज्यादा लोगों को सबसे ज्यादा समझे जाने वाले अर्थ सही तथा विस्तार में देते हैं। इसी कारण वे मल्टीमीडिया मेन्यू, नेविगेशन सिस्टम, कीवर्ड लिस्ट तथा विषय वस्तु के अत्यावश्यक अंग हैं। यदि आप श्रेष्ठ शब्दों के उपयोग के लिए समय निकालेंगे, तो अपने आप और अपने यूजर्स को लाभ दे पाएंगे। टेक्स्ट के द्वारा, एसएमएस तथा ट्विटर। यहां दिखाए गए चित्र को देखें। इनमें से कितनों का आप प्रतिदिन उपयोग करते हैं? क्या इनसे भी ज्यादा कुछ और हैं जो आप उपयोग करते हैं? इन सब का अर्थ क्या है? आज के दौर में एसएमएस शब्दों के शब्द विन्यास में आया परिवर्तन मुख्यतः तकनीकी सीमाओं के कारण आया है, क्योंकि एसएमएस या शॉर्ट मैसेज सर्विस, टेक्स्ट मैसेजेस जो कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स जैसे कि ट्विटर तथा फेसबुक पर बहुत प्रचलित हैं, सिर्फ 160 कैरेक्टर्स प्रति मैसेज या 140 बाइट्स की ही अनुमति देते हैं। टेक्स्ट आज मानव से मानव के बीच के डेटा संचार का सबसे व्यापक रूप है। विश्व भर में प्रतिवर्ष 3 अरब से ज्यादा लोग टेक्स्टर्स, खरबों शॉर्ट टेक्स्ट मैसेजेस एक फोन से दूसरे फोन में भेजते हैं। इसलिए कई भाषाओं के यूजर्स ने बहुत जल्द ही शब्दों के शॉर्टकट को अपनाया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा अर्थ को कम से कम कैरेक्टर्स पर पैक किया जा सके। इमोटिकॉन्स। टेक्स्ट आधारित परिवेश में अर्थ को स्पष्ट करने वाले ये शॉर्टहैंड शॉर्टकट्स क्या हमारी भाषा को भद्दा बना रहे हैं, या फिर क्या वे हमारे संचार का रूपांतरण कर रहे हैं? उदाहरणतः, आप चाहे कितने भी मुंहपट या निष्ठुर हों, परंतु यदि आप अपने कथन के बाद पलक झपकाते हैं या स्माइली देते हैं, तो आपकी बात गंभीर नहीं रह जाती। आपने किसी को फटकार तो दिया, परंतु नरम अंदाज में। क्या यह निष्क्रिय आक्रामक संस्कृति में बदलता जा रहा है, या फिर एक निष्क्रिय आक्रामक लिखित संस्कृति में? ट्वीट इमेज पर ध्यान दें। इससे आप क्या समझ सकते हैं? 140 अक्षरों से कम के इस संग्रह में हमें कई मुख्य बिंदु तथा सोर्स के लिए एक हाइपरलिंक दिया गया है, परंतु बिना किसी यथोचित वाक्य संरचना के। फिर भी इस ट्वीट से हम कुछ अर्थ निकाल ही सकते हैं। 1.3% अखबार ऑनलाइन पढ़े जाते हैं। 2. ऑनलाइन या प्रिंट के लिए न्यूज़पेपर इंप्रेशंस पर ब्लॉग पोस्ट की साइट। 3. धारणा है कि पाठक आधे पृष्ठ ही देखते हैं। 4. एक और धारणा यह भी है कि वे सभी लेख पढ़ते हैं। तथा 5. कले का तीव्र विश्लेषण। मल्टीमीडिया के एलिमेंट्स। एमएमएस यानी मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस के आगमन से जो 3,50,000 बाइट प्रसारण की अनुमति देता है, शायद ये शॉर्टकट शब्द विन्यास लुप्त हो जाएं। लेकिन शायद नहीं भी। फॉन्ट्स के परिवार एवं फेसेस। मूलभूत टाइपोग्राफी के संदर्भ में एक ग्लिफ स्वीकृत चिन्हों में से एक है, जिसका प्रयोग किसी पढ़े जा सकने वाले कैरेक्टर को लिखने के लिए होता है, और उसके द्वारा विचारों, उपायों तथा धारणाओं को व्यक्त किया जाता है। इसलिए ग्लिफ ऐसे विशिष्ट चिन्ह हैं जो आपस में जुड़कर किसी शब्द की शब्द विन्यास को बनाते हैं, या फिर जो कुछ लिखा गया है
उसके अर्थ को सांस्कृतिक तथा सामाजिक संदर्भ में बताने में मदद करते हैं। मूलभूत, प्रत्येक टाइपफेस ग्लिफ्स का संग्रह होता है और उनमें से प्रत्येक एक विशेष अक्षर, संख्या, विराम चिन्ह या किसी अन्य सिंबल को निरूपित करता है। एक ही ग्लिफ को विभिन्न लिपियों के कैरेक्टर्स के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि रोमन अपरकेस ए सिरिलिक अपरकेस ए तथा ग्रीक अपरकेस अल्फा की तरह ही दिखता है। ऐसे भी टाइपफेस हैं जो विशिष्ट एप्लीकेशंस जैसे कि मैप मेकिंग, ज्योतिष शास्त्र या फिर गणित के लिए बनाए गए हैं। फॉन्ट्स तथा टाइपफेसेस। एक टाइपफेस विभिन्न टाइप साइज तथा शैली या स्टाइल के ग्राफिक कैरेक्टर्स के समूह होते हैं। एक फॉन्ट एक ही साइज तथा स्टाइल के कैरेक्टर्स का समूह होता है जो एक खास टाइपफेस परिवार से संबंधित होता है। बोल्डफेस तथा इटैलिक आदर्श फॉन्ट स्टाइल हैं। आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अन्य स्टाइल गुणों जैसे कि अंडरलाइन या आउटलाइन को भी उपलब्ध करा सकता है। फॉन्ट। आरंभ में थोड़ा इतिहास की जानकारी लेते हैं। 15वीं शताब्दी में जब हाथ से प्रिंटर्स के द्वारा टाइप को सेट किया जाता था, धातु के कैरेक्टर्स जैसे कि अक्षरों, संख्याओं या संकेतों को एक बड़े विशाल बॉक्स से खींचकर निकालना पड़ता था। कैरेक्टर्स का ये संग्रह ही एक फॉन्ट कहलाया गया। टाइपफेसेस। टाइपफेसेस टाइपफेसेस फॉन्ट के सभी कैरेक्टर्स के रूप की व्याख्या करते हैं। आपके पास एक डिब्बा है जिसमें न्यूज गोथिक के सभी अक्षर होंगे। न्यूज गोथिक बोल्ड फॉन्ट का डिब्बा, न्यूज गोथिक लाइट फॉन्ट का डिब्बा। प्रत्येक डिब्बों में न्यूज गोथिक फॉन्ट के अक्षर या लेटर्स होते हैं। टाइपफेस को फॉन्ट फैमिली से अदला बदली किया जा सकता है। टाइपफेसेस। यहां आप तीन जुड़वा भाइयों को देख रहे हैं, जॉन स्मिथ, जैक स्मिथ तथा टॉम स्मिथ। इनमें से सभी के चेहरे एक जैसे हैं लेकिन उनका वजन अलग अलग है। इसे कुछ यूं पढ़ें, एक पतला या स्लिम है, दूसरा कुछ गोलाकार है। एक साथ ये सभी स्मिथ फैमिली बनाते हैं। टाइपोग्राफिकली जॉन, जैक तथा टॉम में से प्रत्येक एक फॉन्ट है और एक साथ वे स्मिथ टाइपफेस बनाते हैं। टाइप साइज। टाइप साइज को पॉइंट्स में व्यक्त किया जाता है। एक पॉइंट 0.0138 इंच या लगभग एक इंच के 72वें भाग के बराबर होता है। फॉन्ट साइज कैपिटल लेटर के शीर्ष से लेकर उसके डिसेंडर्स जैसे कि जी तथा वाई के तल तक की दूरी को कहते हैं। हेल्वेटिका टाइम्स तथा कुरियर सभी टाइपफेसेस हैं। टाइम्स 12-पॉइंट इटैलिक एक फॉन्ट है। कंप्यूटर की दुनिया में आमतौर पर फॉन्ट शब्द का उपयोग किया जाता है जबकि टाइपफेस या फेस ज्यादा उपयुक्त शब्द है। पॉइंट्स क्या हैं? पॉइंट प्रणाली टाइप के मेजरमेंट की एक मानक इकाई है। इसकी उत्पत्ति सदियों पूर्व हुई जब पॉइंट से मेटल बॉडी के साइज को संबोधित किया जाता था जो प्रत्येक कैरेक्टर को समायोजित करती थी। क्योंकि टाइपफेस के प्रत्येक साइज को एक एक करके काटा जाता था, पॉइंट के साइज को निर्धारित करने के लिए सबसे ऊंचे असेंडर की ऊंचाई से लेकर सबसे छोटे डिसेंडर के तल तक या और थोड़ा और माना गया। फॉन्ट का साइज पूर्ण रूप से कैरेक्टर की ऊंचाई या चौड़ाई की व्याख्या नहीं करता। ऐसा इसलिए है क्योंकि दो फॉन्ट्स की एक्स हाइट यानी लोअर केस लेटर एक्स की हाइट में अंतर हो सकता है जबकि उनके कैपिटल लेटर्स की हाइट समान हो। मैकिंटोश हो या पीसी, हेडिंग को लगभग सभी प्रोग्राम में समायोजित किया जा सकता है। सामान्यतः इसे आप किसी इमेज एडिटिंग प्रोग्राम के टेक्स्ट मेन्यू में या फिर किसी वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम के पैराग्राफ मेन्यू में पाएंगे, यद्यपि यह कोई आधिकारिक मानक नहीं है। स्क्रीन पर चित्र को देखें। क्या ये सभी अलग अलग पॉइंट साइज के हैं या एक ही? विक्टोरा। ये दोनों टेक्स्ट उदाहरण बेनहार्ड मॉडर्न और विक्टोरा 14/17 पॉइंट साइज के हैं। ध्यान दें कि असेंडर्स, डिसेंडर्स तथा एक्स हाइट के साइज में अंतर वास्तव में फॉन्ट के आकार का निर्धारण करते हैं।
फॉन्ट एडिटिंग प्रोग्राम जैसे कि fontlablimited.com यानी www.fontlab.com का फोंटोग्राफर के द्वारा टेक्स्ट के क्षैतिज अक्ष यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर भी एडजस्टमेंट किया जा सकता है। इस प्रोग्राम में प्रत्येक कैरेक्टर के कैरेक्टर मैट्रिक्स तथा प्रत्येक कैरेक्टर जोड़े के बीच की कर्निंग को बदल सकते हैं। कैरेक्टर मैट्रिक्स प्रत्येक कैरेक्टर के सामान्य मापों पर लागू होता है। कर्निंग कैरेक्टर्स के जोड़े के बीच का स्पेस होती है। किसी दो ग्लिफ के बीच के स्पेस के दो अंश हैं, पहले ग्लिफ के बाद की स्पेस तथा दूसरे ग्लिफ के पहले की स्पेस। ग्लिफ्स के बीच की ये स्पेस प्रत्येक ग्लिफ जोड़े के साइड बियरिंग से बनी होती है। प्रत्येक ग्लिफ के बाईं तथा दाईं दोनों ओर साइड बियरिंग्स होते हैं। नीचे के उदाहरण में फॉन्ट ओपन सेंस के लोअर केस ए के बाईं ओर का बियरिंग्स का माप 166 यूनिट्स तथा दाईं ओर के बियरिंग्स का माप 94 यूनिट्स है। कर्निंग दो लगातार कैरेक्टर्स के बीच के स्पेस का समायोजन है। कुछ सामान्य उदाहरण जहां कैरेक्टर पेयर्स के बीच के स्पेस को सही करने के लिए कर्निंग की जरूरत प्रायः पड़ती है निम्नलिखित हैं: WA, WA, 2, AV। उदाहरण में हम देख सकते हैं कि TO तथा VA में बिना कर्निंग के कैरेक्टर स्पेसिंग बहुत चौड़ा है, जबकि कर्निंग लागू होने पर यही स्पेस शेष फॉन्ट के स्पेस के संतुलन में है। पोस्टस्क्रिप्ट, ट्रू टाइप तथा मास्टर फॉन्ट्स लेकिन बिटमैप्ड फॉन्ट नहीं के साथ काम करते समय मनोरम प्रभाव उत्पन्न करने के लिए फॉन्ट्स के मैट्रिक्स को रोचक इफेक्ट्स बनाने के लिए बदला जा सकता है। उदाहरणतः आप प्रत्येक कैरेक्टर के बॉडी विड्थ को रेगुलर से कंडेंस्ड, कंडेंस से एक्सपैंडेड में समायोजन कर सकते हैं, जैसा कि उदाहरण में साबुन फॉन्ट्स में हुआ है। केस सदियों पहले जब टाइप को हाथों द्वारा सेट किया जाता था, एक फॉन्ट के टाइप को हमेशा दो अलग अलग ट्रेज में रखा जाता था। ऊपर के ट्रे में कैपिटल लेटर्स तथा नीचे के ट्रे में स्मॉल लेटर्स को रखा जाता था। आजकल कैपिटल लेटर्स को अपर केस तथा स्मॉल लेटर्स को लोअर केस कहा जाता है। शब्द अपर केस या लोअर केस को दो लगातार शब्दों के रूप में या विकल्पतः हाइफन द्वारा जुड़े अपर केस या लोअर केस शब्दों के रूप में या फिर एक शब्द के रूप में यानी अपर केस या लोअर केस के रूप में लिखा जा सकता है। ये शब्द लेटरप्रेस प्रिंटिंग में मूवेबल टाइप के रखने वाले कम गहरे ड्रावर्स जिन्हें टाइप केस कहते हैं से उत्पन्न हुए हैं। परंपरागत तरीके में कैपिटल लेटर्स को एक अलग केस जो लोअर लेटर्स के केस से ऊपर होता था में रखा जाता था। कैपिटलाइजेशन का अर्थ है एक शब्द के प्रथम अक्षर को अपर केस में तथा शेष को लोअर केस में लिखना। कैपिटलाइजेशन के नियम भाषा के अनुसार बदलते रहते हैं, अतः प्रायः जटिल होते हैं, परंतु सभी आधुनिक भाषाओं में जिसमें कैपिटलाइजेशन का प्रयोग होता है तथा प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा तथा वाक्य का प्रथम लेटर कैपिटल होता है। अन्य भाषाएं कैपिटल के उपयोग में अंतर रखती हैं। उदाहरण के लिए जर्मन भाषा में सभी नाउन्स यानी कि संज्ञा शब्दों के प्रथम लेटर्स कैपिटल होते हैं। यह चलन इंग्लिश भाषा में भी था, जबकि रोमन तथा अन्य यूरोपियन भाषाओं में दिनों, महीनों तथा देशों और धर्मों के विशेषण वाले शब्द के प्रथम अक्षर लोअर केस में होते हैं। कुछ अवस्था में जैसे कि पासवर्ड्स, कंप्यूटर केस सेंसिटिव होता है, अर्थात टेक्स्ट के अपर तथा लोअर केस लेटर्स आवश्यक रूप से मिलान खाने चाहिए ताकि उसकी पहचान हो सके। लेकिन अब अधिकांश मामलों में जहां कीबोर्ड इनपुट की जरूरत होती है, सभी कंप्यूटर अपर तथा लोअर दोनों केसेस को एक समान पहचानते हैं। ऐसे में कंप्यूटर को केस इनसेंसिटिव कहा जाता है। करके देखें: http://www.timestream.com/info/people/
biote/biote1.html तथा http://www.timestream.com/info/people/bio-ty/biotay1.html दोनों एक ही फाइल तथा डायरेक्टरी को इशारा करते हैं। नहीं, दोनों एक जैसे नहीं हैं, क्योंकि वेब के यूआरएल्स केस सेंसिटिव होते हैं। किसी शब्द के मध्य में एक अपरकेस लेटर लगाना इंटरकैप कहलाता है। यह नया चलन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कम्युनिटी से निकाल कर आया है, जहां प्रोग्रामर्स ने पाया कि वे लोअर केस शब्दों को आसानी से वेरिएबल तथा कमांड्स के रूप में पहचान सकते हैं, यदि उनके मध्य में इंटरकैप का उपयोग किया गया हो। सेरिफ तथा सेंस सेरिफ। टाइपोग्राफी में सेरिफ एक छोटी रेखा है जो किसी लेटर या सिंबल के लिखावट या स्ट्रोक के अंत में जोड़ दी जाती है, जैसे कि टाइपराइटर या टाइपसेटर के लिए हैंडराइटिंग को स्पष्ट इकाइयों में अलग कर दिया जाता है। सेरिफ के साथ एक टाइपफेस सेरिफ टाइपफेस या सेरिफ्ड टाइपफेस कहलाता है। सेरिफ के बिना एक टाइपफेस सेंस सेरिफ या सेंस हाइफन सेरिफ कहलाता है। सेंस, जो कि फ्रेंच उत्पत्ति का अर्थ होता है बिना। कुछ टाइपोग्राफी स्रोत सेंस सेरिफ टाइपफेसेस को ग्रोटेस्क या जर्मन में ग्रोटेस्क या गोथिक तथा सेरिफ टाइपफेसेस को रोमन मानते हैं। सेरिफ्स अर्ध रचनागत विस्तृत या छोटे सजावटी अलंकरण हैं, जो किसी लिखावट तथा चिन्हों के स्ट्रोक के अंत में जुड़े होते हैं। टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट इसका एक उदाहरण है। टेक्स्ट के साथ डिजाइनिंग। कंप्यूटर का स्क्रीन जटिल विचारों के विकास के लिए बहुत ही कम वर्कस्पेस उपलब्ध कराता है। आगे चलकर किसी समय आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर बहुत ही प्रभावी या संक्षिप्त टेक्स्ट मैसेजेस को डिलीवर करने की जरूरत पड़ेगी, और वो भी कम से कम स्पेस के रूप में। डिजाइन के दृष्टिकोण से आपके फॉन्ट का चयन तथा हेडलाइंस की संख्या जो आप एक स्क्रीन पर लगाएंगे, आवश्यक रूप से आपके संदेश तथा उसके स्थान की जटिलता से संबंधित होना चाहिए। आगे के चार स्क्रीन्स में हम मुख्य दिशा निर्देशों का अध्ययन करेंगे। एक, टेक्स्ट के फॉन्ट का चयन, विशेष अवसर के लिए विशेष परिधान। अच्छा हो या बुरा, फॉन्ट का चयन करना ठीक उसी तरह से है जैसे कि सुबह अपने आप को तैयार करना। कपड़ों की ही तरह टाइपफेसेस में भी अंतर होता है। कुछ भवसूचक तथा सजीले होते हैं और कुछ उपयोगी तथा उपयुक्त। हमारा उद्देश्य होता है किसी अवसर के लिए समुचित संतुलन बनाना। दो, फैमिलीज को पहचानना, ग्रुपिंग फॉन्ट्स। परिधान वाला उपरोक्त उपमा हमें यह विचार देता है कि हमें किस तरह के अलमारी की जरूरत है। हमारे लिए अगली चुनौती एक प्रकार का ढांचा बनाने की आवश्यकता है, जो हमारे संपर्क में आने वाले सारे फॉन्ट्स को मानसिक रूप में ही वर्गीकृत कर दे। टाइपफेसेस को दर्जनों श्रेणियों या कैटेगरी में वर्गित किया जा सकता है। स्कॉच मॉडर्न किसी ने सुना है? लेकिन हम सिर्फ 5 ग्रुप का ही ध्यान रखें, जिससे हमें वर्तमान समय में अधिकांश फॉन्ट्स की कार्य समझ हो जाए। 3, निर्णयात्मक बने, डिसिसिव कॉन्ट्रास्ट का सिद्धांत। अब तक हम हमारे फॉन्ट फैमिली तथा उनमें से प्रत्येक के आदर्श उदाहरण देख चुके हैं। अब समय आ गया है कि हम उनका किस प्रकार मिश्रण या मिलान करें, और इन सबसे महत्वपूर्ण है यह निर्णय लेना कि हम उनका मिश्रण या मिलान करें या नहीं। अधिकांश परिस्थिति में एक ही टाइपफेस से काम चल जाएगा, खास करके तब जब वह हमारा कई वेट वाला मेहनती फॉन्ट हो। यदि हम उस स्थिति में आ जाएं जब हमें एक नए फेस को मिश्रित करने की जरूरत हो, तो इस सरल नियम को याद रखें, या तो इसे जैसे का तैसा रखें या फिर इसमें भारी परिवर्तन करें। अनिर्णयात्मक, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन ना करें। 4, कोई नियम नहीं है। सचमुच ध्यान से देखें और आप पाएंगे एक चकाचौंध से भरा मेन्यू, जिसमें न पढ़ने योग्य डिस्प्ले फॉन्ट है
या फिर दो अलग अलग ज्योमेट्रिक सेंस फेसेस एक ही पेज पर रखे हैं। वास्तव में इसी सप्ताह मैंने एक प्रोजेक्ट पर प्रयास किया और सफलता पाई। टाइप के उपयोग के लिए केवल प्रथाएं होती हैं, कोई कड़ा नियम नहीं। ठीक उसी तरह से जैसे सुबह के कपड़े पहनने के लिए कोई नियम नहीं होता। प्रयास करना अच्छा है यह देखने के लिए कि क्या होता है। फॉन्ट को उपयोग करने से पहले उसका कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम से परिचय होना आवश्यक है। यदि आप मूलभूत ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंस्टॉल्ड फॉन्ट्स के अतिरिक्त कोई अन्य फॉन्ट उपयोग करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आपको उन्हें इंस्टॉल करना होगा। जब आप एप्लीकेशंस इंस्टॉल करते हैं तो प्रायः फॉन्ट्स भी आपके सिस्टम के कलेक्शन में जुड़ जाते हैं। वर्तमान में फॉन्ट्स के कई प्रकार हैं जो आज के अधिकांश फॉन्ट्स बनाते हैं। इनमें से तीन प्रमुख हैं, ओपन टाइप फॉन्ट्स, ट्रू टाइप फॉन्ट्स तथा पोस्ट स्क्रिप्ट या टाइप एक फॉन्ट्स। एक और वर्गीकरण, सभी टाइप फेसेस को चार मूल ग्रुप में वर्गीकृत किया जा सकता है, सेरिफ्स के साथ, सेरिफ्स के बिना, स्क्रिप्ट्स तथा डेकोरेटिव स्टाइल्स। HTML या हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML या हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एक मानक मार्कअप भाषा है जिसका उपयोग वेब पेजेस की रचना करने में किया जाता है। HTML को HTML एलिमेंट्स के रूप में लिखा जाता है जिसमें टैग्स एंगल ब्रैकेट में बंद होते हैं, जैसे कि लेस देन HTML, ग्रेटर देन। HTML टैग्स सामान्यतः जोड़े में आते हैं, जैसे कि लेस देन H1, ग्रेटर देन तथा लेस देन / H1, ग्रेटर देन। परंतु कुछ टैग्स खाली एलिमेंट दर्शाते हैं और इसीलिए जोड़े में नहीं होते, उदाहरणतः लेस देन img, ग्रेटर देन। पेयर टैग में से पहला टैग स्टार्ट टैग होता है तथा दूसरा एंड टैग। इन्हें ओपनिंग टैग तथा क्लोजिंग टैग भी कहा जाता है। एक वेब ब्राउजर का उद्देश्य HTML डॉक्यूमेंट को पढ़ना और उन्हें विजिबल या ऑडिबल वेब पेजेस में लिखना होता है। ब्राउजर HTML टैग्स को दिखाता नहीं है, परंतु उनका उपयोग पेज की विषय वस्तु की व्याख्या करने में होता है। HTML वेबसाइट के ढांचे को प्रेजेंटेशन संकेतों के साथ सेमेंटिकली वर्णन करता है। इसी कारण इसे एक मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं। HTML एलिमेंट्स सभी वेबसाइट्स के मूलभूत अंग होते हैं। यह इमेजेस तथा ऑब्जेक्ट्स को एम्बेड करने की अनुमति देता है तथा इसका प्रयोग इंटरैक्टिव फॉर्म बनाने में भी होता है। टेक्स्ट के लिए स्ट्रक्चरल सिमेंटिक्स जैसे कि हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, लिस्ट्स, लिंक्स, कोट्स तथा अन्य आइटम्स के द्वारा यह संचरित डॉक्यूमेंट बनाने के तरीके उपलब्ध करता है। HTML तथा XHTML में एक फॉन्ट फेस या फॉन्ट फैमिली एक टाइप फेस है जो ब्राउजर के द्वारा कुछ टेक्स्ट पर लागू होता है। यह फॉन्ट टेक्स्ट के स्क्रीन, प्रिंटर या अन्य डिवाइस पर डिस्प्ले के अनुरूप होता है। CSS का उद्देश्य। CSS का उद्देश्य है वेब डेवलपर को एक मानक शैली उपलब्ध कराना जो स्टाइल चरित्रों को परिभाषित, प्रयोग और प्रबंध करे। CSS इन तकनीकी क्षमताओं को हायरार्किकल स्कोप ऑफ इफेक्ट पर आधारित तकनीकी मॉडल, स्टाइल का विषय वस्तु से अलग होना तथा पब्लिश्ड स्टैंडर्ड के द्वारा उपलब्ध कराता है। कैस्केडिंग। कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स का कैस्केडिंग यह बताता है कि कैसे प्रॉपर्टी वैल्यूज वेब डॉक्यूमेंट के पेरेंट या चाइल्ड यानी पिता या शिशु हायरार्की पर लागू होता है। चाइल्ड एलिमेंट पेरेंट एलिमेंट से जुड़े प्रॉपर्टी वैल्यूज को या तो विरासत में रख लेते हैं यानी इनहेरिट कर लेते हैं, या उसे रद्द कर नए एलिमेंट्स को जोड़ देते हैं यानी ओवरराइड कर देते हैं। एक स्टाइल शीट किसी केंद्रीय लोकेशन पर स्टाइल नियमों का संग्रह होता है, अर्थात स्टाइल रूल्स का एनकैप्सुलेशन, जो या तो HTML डॉक्यूमेंट के हेड सेक्शन में या फिर किसी अलग रखी लिंक्ड फाइल में रखा जाता है। वेब ब्राउजर इन स्टाइल को पढ़ निर्दिष्ट फॉर्मेटिंग रूल को विषय वस्तु के डिस्प्ले से पहले लागू कर देता है। इनहेरिटेंस।
अधिकांश स्टाइल में यदि किसी चाइल्ड एलिमेंट के लिए स्टाइल प्रॉपर्टी वैल्यू निर्धारित नहीं की गई हो तो पेरेंट पर अप्लाई की गई वैल्यू ही चाइल्ड एलिमेंट पर अप्लाई कर डिस्प्ले कर दिया जाता है। इसके विपरीत यदि चाइल्ड एलिमेंट की कोई नई प्रॉपर्टी वैल्यू हो और पेरेंट की भी वही वैल्यू हो तो ब्राउजर चाइल्ड वैल्यू को उपयोग कर डिस्प्ले कर देता है। उदाहरणतः एक वेब डेवलपर एक फॉन्ट फैमिली को पेज के सभी टेक्सचुअल एलिमेंट्स के लिए डिफॉल्ट निम्नलिखित CSS कोड के द्वारा डिफॉल्ट स्पष्ट कर सकता है। किसी अन्य निर्देश की अनुपस्थिति में ब्राउजर सभी टेक्सचुअल या शाब्दिक एलिमेंट्स को वारदाना फॉन्ट में डिस्प्ले कर देगा। हालांकि वेब डेवलपर किसी अन्य फॉन्ट में हेडिंग को डिस्प्ले कराना चाहता हो सकता है। आगे दिए गए कोड में वारदाना फॉन्ट फैमिली को पेज के सभी टेक्सचुअल या शाब्दिक एलिमेंट से बांध दिया गया है, परंतु हेडिंग एलिमेंट्स के लिए उसे ओवरराइड कर इम्पैक्ट फॉन्ट स्पष्ट कर दिया गया है। अब सभी हेडिंग एलिमेंट्स को ब्राउजर इम्पैक्ट फॉन्ट में ही डिस्प्ले करेगा, जबकि अन्य टेक्सचुअल एलिमेंट्स वारदाना में डिस्प्ले होंगे। आगे मान लें कि वेब डेवलपर डॉक्यूमेंट विषय वस्तु के एक हिस्से को महत्वपूर्ण दिखाने के लिए कुछ भारी या बोल्ड तथा लाल टेक्स्ट उपयोग करना चाहता है। ऐसा करने के लिए डेवलपर एक स्टाइल को एक क्लास से बाइंड कर सकता है जो डिफॉल्ट पर बाउंड स्टाइल तथा एलिमेंट पर बाउंड स्टाइल दोनों को ओवरराइड कर देगा, जिसके लिए निम्नलिखित कोड होंगे। अब हेडिंग एलिमेंट्स इम्पैक्ट फॉन्ट में ही डिस्प्ले होंगे, जबकि अन्य एलिमेंट्स वारदाना में। फिर भी किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट एलिमेंट जिसमें क्लास एट्रीब्यूट तथा वैल्यू इम्पॉर्टेंट क्लास है, एरियल ब्लैक फॉन्ट तथा लाल रंग में डिस्प्ले होगा। इसका मतलब है कि अगर हेडिंग एलिमेंट जरूरी क्लास का है तो स्टाइल जो उस क्लास से जुड़ा है अपनाया जाएगा, और रियल ब्लैक फॉन्ट को प्रयोग करते हुए लाल रंग विषय वस्तु से स्टाइल को अलग करना। CSS का सबसे पहला लाभ यह है कि स्टाइल तथा विषय वस्तु दोनों अलग हो जाते हैं। एक विशुद्ध HTML डॉक्यूमेंट में विषय वस्तु तथा फॉर्मेटिंग नियम को अलग करना बहुत कठिन है, लेकिन CSS में यह आसान है। स्टाइल का विषय वस्तु से अलग हो पाना डेवलपर्स को बिना विषय वस्तु छेड़े एक स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन रूल बनाने में, उपयोग करने तथा बनाए रखने में समर्थ बनाता है। अतः कंटेंट ऑथर्स आसानी से मानक व्यावसायिक तौर पर बने स्टाइल को नए पब्लिश किए विषय वस्तु पर बिना मार्कअप और फॉर्मेटिंग लैंग्वेज सीखे लागू कर सकते हैं। स्टाइल्स न केवल वेब ब्राउजर को बल्कि प्रेजेंटेशन के कई विषयों को प्रभावित कर सकता है। उदाहरणतः वेब डॉक्यूमेंट का एक ही विषय वस्तु फाइल कई डिवाइसेस पर, जैसे कि लैपटॉप, PC, हैंडहेल्ड डिवाइसेस या फिर स्मार्टफोन पर ब्राउज किया जा सकता है। वेब एप्लीकेशन सरलता से उपयुक्त स्टाइल शीट को सेलेक्ट कर रन टाइम के समय ग्राहक के लिए फॉन्ट्स अप्लाई कर सकता है। स्टाइल को विषय वस्तु से अलग करने से कोड का रखरखाव तथा पुनः उपयोग भी आसान हो जाता है। HTML डॉक्यूमेंट्स में नेटिव टैग्स तथा फॉन्ट्स को नियंत्रित करने के लिए एट्रीब्यूट्स स्थापन तथा अन्य लेआउट गुणों को लागू करने में प्रयोग जटिल होता है, जिससे कोड का रखरखाव तथा पुनः उपयोग कठिन हो जाता है। CSS तथा HTML में क्या अंतर है? HTML का उपयोग विषय वस्तु की संरचना करने में होता है। CSS का उपयोग संरचित विषय वस्तु के फॉर्मेटिंग में होता है। शुरुआती दिनों में HTML का प्रयोग सिर्फ टेक्स्ट को संरचना देने में होता था। ऑथर अपने टेक्स्ट दिस इज अ हेडलाइन या दिस इज अ पैराग्राफ को HTML टैग्स लेस देन H1 ग्रेटर देन तथा लेस देन P ग्रेटर देन द्वारा मार्क कर सकता था। जैसे जैसे वेब प्रचलित होता गया, डिजाइनर्स उन संभावनाओं को ढूंढने लगे जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट में लेआउट को जोड़ सके। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए ब्राउजर निर्माताओं, उस समय नेटस्केप तथा माइक्रोसॉफ्ट ने नए HTML टैग्स का आविष्कार किया, जैसे कि लेस देन फॉन्ट ग्रेटर देन,
जो मूल HTML टैग से अलग थे और वे लेआउट को परिभाषित करते थे, ना कि संरचना को। इससे एक नई स्थिति पैदा हो गई जहां वास्तविक संरचना टैग्स जैसे कि लेस देन, टेबल, ग्रेटर देन का गलत उपयोग लेआउट पृष्ठों में होने लगा, जबकि इन्हें टेक्स्ट को स्ट्रक्चर देने में होना था। कई नए लेआउट टैग्स जैसे कि लेस देन, ब्लिंक, ग्रेटर देन को सिर्फ एक ही ब्राउजर समर्थन करता था। यू नीड ब्राउजर एक्स टू व्यू दिस पेज, वेबसाइट्स पर एक आम अस्वीकरण या डिस्क्लेमर बन गया। CSS को इसी स्थिति से बचने के लिए आविष्कार किया गया था, जिसने वेब डिजाइनर्स को परिष्कृत लेआउट संभावनाएं उपलब्ध कराई और जो सभी ब्राउजर्स के द्वारा समर्थित थीं। इसके साथ ही इसने प्रेजेंटेशन स्टाइल को विषय वस्तु से अलग करके वेबसाइट के रखरखाव को बहुत ही आसान बना दिया। कैरेक्टर सेट। एक कैरेक्टर इनकोडिंग सिस्टम में एक कोड होता है जो प्रदर्शनों की सूची में से प्रत्येक कैरेक्टर को किसी अन्य के साथ, जैसे कि एक बिट पैटर्न, प्राकृतिक संख्याओं की श्रृंखला, ऑक्टेट्स या इलेक्ट्रिकल पल्सेस से जोड़ता है, ताकि डाटा, सामान्यतः संख्या या शब्द, का टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क पर प्रसार हो सके या डेटा स्टोर किया जा सके। अन्य शब्द जैसे कि कैरेक्टर सेट, कैरेक्टर मैप, कोड सेट तथा कोड पेज का प्रयोग एक दूसरे के लिए होता रहता है, परंतु संबंधित होने पर भी इनमें अंतर है जो नीचे बताया गया है। ऑप्टिकल तथा इलेक्ट्रिकल टेलीग्राफ से जुड़े प्रारंभिक कैरेक्टर कोड सिर्फ कैरेक्टर के सबसेट को प्रतिनिधित्व कर सकते थे जो लिखित भाषा में उपयोग होते थे, और कभी कभी वे सिर्फ कैपिटल लेटर्स, नंबर्स तथा विराम चिन्ह तक ही सीमित होते थे। आधुनिक कंप्यूटर सिस्टम में डेटा का डिजिटल प्रतिनिधित्व सस्ता होने के कारण अधिक व्यापक कैरेक्टर कोड जैसे कि यूनिकोड का प्रतिनिधित्व संभव हो पाया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानक के अनुसार कैरेक्टर कोडिंग विश्व भर में अलग अलग भाषा में टेक्स्ट के इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में आदान प्रदान की अनुमति देती है। प्रारंभिक बाइनरी समूह में बेकन के साइफर, ब्रेल, इंटरनेशनल मैरीटाइम सिग्नल फ्लैग्स तथा एक चीनी कैरेक्टर्स की चार डिजिट एनकोडिंग टेलीग्राफ कोड के लिए शामिल था। कैरेक्टर कोडिंग सिस्टम के कुछ सामान्य उदाहरण निम्नलिखित हैं: मोर्स कोड, बोडॉट कोड, अमेरिकन मानक कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ASCII तथा यूनिकोड। इतिहास। मोर्स कोड को 1840 के दशक में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था और इसका प्रयोग प्रत्येक लैटिन अक्षर, प्रत्येक अरबी अंक और कुछ अन्य कैरेक्टर्स को टेलीग्राफ की कुंजी के लंबे तथा अल्प दबाव के द्वारा एनकोडिंग करने के लिए किया जाता है। मोर्स कोड के द्वारा एनकोडेड कैरेक्टर्स के निरूपण लंबाई में अलग अलग होते हैं। बोडॉट कोड एक 5-बिट एनकोडिंग का एमिल बोडॉट ने 1870 में आविष्कार किया था और 1874 में पेटेंट किया था। इसका 1901 में डोनाल्ड मुरे ने संशोधीकरण किया और CCITT ने 1930 में इसे इंटरनेशनल टेलीग्राफ अल्फाबेट नंबर 2 यानी ITA-2 के रूप में मानकीकरण किया। फील्ड डेटा जो 6 या 7 बिट का कोड होता है को US आर्मी सिग्नल कॉर्प ने 1950 के दशक में आरंभ किया था। IBM के बाइनरी कोडेड डेसिमल, संक्षिप्त में BCD, एक 6-बिट एनकोडिंग स्कीम थी जो IBM ने 1959 में अपने 1401, 1620 तथा 7000 सीरीज, एग्जाम्पल 704, 7040, 709 और 7090 तथा पेरिफेरल्स के लिए लागू किया था। इसने 4-बिट वाले न्यूमेरिक इनकोडिंग को अल्फाबेटिक तथा स्पेशल कैरेक्टर्स शामिल करने के लिए विस्तार किया और उस समय प्रचलित पंच कार्ड एनकोडिंग को आसानी से मैप किया। यह EBCDIC का पूर्ववर्ती था। IBM का एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, संक्षिप्त में EBCDIC, एक 8-बिट एनकोडिंग स्कीम था जो 1963 में विकसित किया गया था।
इन सेट्स की सीमाएं बहुत जल्द ही स्पष्ट हो गईं और कई तदर्थ प्रक्रियाएं इन्हें बढ़ाने के लिए विकसित की गईं। विभिन्न भाषाओं में लेखन प्रणाली, जिसमें ईस्ट एशियाई लिपि CJK फैमिली भी थी, को सपोर्ट करने के लिए बहुत ज्यादा संख्या में कैरेक्टर्स की जरूरत थी और इसके लिए पूर्व के तदर्थ दृष्टिकोण की जगह कैरेक्टर इनकोडिंग के व्यवस्थित दृष्टिकोण की आवश्यकता पड़ी। हमें यूनिकोड की आवश्यकता क्यों है? यूनिकोड ISO 10646 एक आकार सभी पर अनुरूप कैरेक्टर इनकोडिंग मानक है जो दर्जनों परस्पर विरोधी ASCII एक्सटेंशन तथा स्पेशल कोडिंग की अव्यवस्था को दूर करने और विश्व के किसी भी लेखन पद्धति में टेक्स्ट के आपसी परिवर्तन के लिए डिजाइन किया गया था। विश्व के अधिकांश लेखन पद्धति में टेक्स्ट के कंसिस्टेंट एनकोडिंग, निरूपण तथा संचालन के लिए यूनिकोड एक कंप्यूटिंग उद्योग मानक है। यूनिकोड स्टैंडर्ड में 100 लिपियों के 110,000 अक्षर तथा चिन्ह से ज्यादा की सूची है। इस स्टैंडर्ड में दृश्य प्रसंग के लिए एक कोड्स का चार्ट सेट, एक एनकोडिंग पद्धति तथा मानक कैरेक्टर इनकोडिंग के सेट, रेफरेंस डाटा कंप्यूटर फाइल तथा अनेक संबंधित आइटम्स जैसे कि अरबी तथा हिब्रू के राइट टू लेफ्ट स्क्रिप्ट्स और लेफ्ट टू राइट स्क्रिप्ट्स शामिल हैं। इस मानक को यूनिकोड कंसोर्टियम के द्वारा कायम रखा जाता है। हाइपर टेक्स्ट मल्टीमीडिया, जो टेक्स्ट, ग्राफिक तथा ऑडियो तत्वों का एक संग्रह या प्रेजेंटेशन इंटरैक्टिव मीडिया बन जाता है, जब आप यूजर को कौन सी सूचना देखनी है और कब का कुछ नियंत्रण दे देते हैं। जब एक डिजाइनर लिंक्ड तत्वों का ढांचा, जिससे यूजर इंटरनेट पर नेविगेट कर सकता है, उपलब्ध करता है, तो इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया हाइपरमीडिया बन जाता है। जब शब्दों को किसी अन्य शब्दों के लिए इंडेक्स्ड किया जाता है, तो हाइपरटेक्स्ट सिस्टम का विकास होता है। इस शब्द का टेक्स्ट भाग प्रोजेक्ट के विषय वस्तु तथा अर्थ को स्पष्ट करता है, टेक्स्ट के ग्राफिकल प्रदर्शन को नहीं। वर्ल्ड वाइड वेब हाइपरटेक्स्ट का ही एक ऐप है। जब टेक्स्ट को प्रिंट किए हुए पेज के बजाय कंप्यूटर पर स्टोर किया जाता है, तो कंप्यूटर की शक्तिशाली प्रोसेसिंग की क्षमता टेक्स्ट को सुलभ तथा अर्थपूर्ण बनाती है। ऐसे में टेक्स्ट को हम हाइपरटेक्स्ट कहते हैं, क्योंकि शब्द, अनुभाग तथा सोच लिंक्ड हैं और यूजर कहीं से भी तेजी और सरलता से टेक्स्ट से होकर नॉन लीनियर तरीके से नेविगेट कर सकता है। हाइपरटेक्स्ट चूंकि न केवल शब्दों बल्कि चित्र, वीडियो क्लिप्स, साउंड्स तथा अन्य से एक संगठित क्रॉस लिंक बनाते हैं, वे पूरे मल्टीमीडिया डिजाइन में एक अतिरिक्त विशेष बन जाते हैं। शब्द हाइपर को ग्रीक शब्द ओवर से लिया गया। यह बताता है कि यूजर इंटरैक्शन डिजाइन का एक महत्वपूर्ण भाग है, चाहे वो टेक्स्ट ब्राउजिंग के लिए हो या फिर संपूर्ण मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट के लिए। जब इंटरैक्शन तथा क्रॉस लिंकिंग मल्टीमीडिया में जोड़े जाते हैं और नेविगेशन सिस्टम नॉन लीनियर होता है, मल्टीमीडिया हाइपरमीडिया बन जाता है। हाइपरमीडिया स्ट्रक्चर लिंक तथा नोड हाइपरटेक्स्ट में सबसे ज्यादा प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। लिंक कॉन्सेप्चुअल एलिमेंट्स के बीच के कनेक्शन होते हैं, अर्थात नोड्स जिसमें टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड या संबंधित सूचना होती है। हाइपरमीडिया का नेविगेशन। हाइपरमीडिया स्ट्रक्चर में नेविगेट करने का सरलतम तरीका है बटन्स, जो आपको नोट्स पर से लिंक्ड इन्फॉर्मेशन यानी टेक्स्ट, ग्राफिक तथा साउंड्स को एक्सेस कराते हैं। हाइपरमीडिया डेवलपमेंट टूल्स। हाइपरमीडिया कई तरीके से डेवलप किया जा सकता है। किसी भी प्रोग्रामिंग टूल का उपयोग इन प्रोग्रामों को लिखने में किया जाता है, जो डाटा के आंतरिक वेरिएबल्स तथा नोड को एक्सटर्नल डाटा फाइल से जोड़ते हैं। मल्टीमीडिया डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर जैसे कि अडोबी फ्लैश, अडोबी डायरेक्टर, मैक्रोमीडिया ऑथरवेयर तथा मैचवेयर मीडिएटर का उपयोग मनोरंजक विषय वस्तु युक्त एक स्वतंत्र हाइपरमीडिया एप्लीकेशंस बनाने में किया जा सकता है। कुछ डेटाबेस सॉफ्टवेयर जैसे कि विजुअल फॉक्स प्रो तथा
फाइल मेकर डेवलपर का उपयोग शिक्षा तथा बिजनेस विषय वस्तु मैनेजमेंट संबंधी स्वतंत्र हाइपरमीडिया एप्लीकेशंस बनाने में किया जा सकता है। स्टैटिक डायनामिक हाइपरटेक्स्ट, हाइपरटेक्स्ट वेब पर स्थिर रूप में या फिर डायनामिक विषय वस्तु के रूप में पाया जा सकता है। स्टैटिक हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को पहले ही तैयार किया और स्टोर किया जाता है, जबकि डायनामिक यूजर इनपुट के अनुसार बदलता रहता है। हाइपरटेक्स्ट तथा हाइपरमीडिया में अंतर। हाइपरटेक्स्ट एक इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट फॉर्मेट है जिसमें विषय वस्तु को हाइपरलिंक के द्वारा आपस में इंटरकनेक्ट कर दिया जाता है, जबकि हाइपरमीडिया में अन्य मीडिया जैसे कि टेक्स्ट, ऑडियो, ग्राफिक्स तथा वीडियो हाइपरलिंक से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। हाइपरटेक्स्ट हाइपरमीडिया का ही एक सबसेट है। HTML या XML जैसी लैंग्वेज का उपयोग हाइपरमीडिया कार्यान्वित करने में किया जा सकता है, यहां तक कि हाइपरटेक्स्ट में भी। अंततः अपने टेक्स्ट को सुंदर दिखाने के लिए आपको फॉन्ट तथा स्पेशल ग्राफिक्स से भरपूर एक टूलबॉक्स की जरूरत पड़ेगी, जो आपके शब्दों को खींचकर रंग का उतार चढ़ाव, छाया, रंग भरकर या एंटी एलियस कर चित्रकला में परिवर्तित कर सके। सुंदर टेक्स्ट प्रायः बिटमैप ड्राइंग में मिलते हैं, जहां कैरेक्टर्स में छोटा मोटा बदलाव तथा मिलाकर ग्राफिक इमेज में बदला जा सकता है। सही टूल्स तथा रचनात्मक विचारों के साथ आप प्लेन ओल्ड टाइप पर असंख्य विविधताएं कर सकते हैं, और आप स्टाइल को ना सिर्फ सेलेक्ट कर सकते हैं बल्कि उसे कस्टमाइज कर अपने अनुकूल भी बना सकते हैं। अधिकांश इमेज एडिटिंग और पेंटिंग एप्लीकेशंस आपके सिस्टम के फॉन्ट्स का उपयोग कर टेक्स्ट बनाने की इजाजत देते हैं। आप टेक्स्ट में रंग भर सकते हैं, खींच, पिचका तथा घुमा सकते हैं, तथा आप इसका विभिन्न प्लगइन्स में फिल्टर कर अजूबा बना सकते हैं। एक मल्टीमीडिया डेवलपर के रूप में आपकी एकमात्र चिंता है आपके फॉन्ट मॉनिटर पर देखने में कैसे लगेंगे। सबसे महत्वपूर्ण पहलू है रचनात्मक विचार। इंटरनेट तथा वर्ल्ड वाइड वेब में क्रांति के बाद टेक्स्ट पहले से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। शब्द अथवा संकेत या सिंबल्स, चाहे वे किसी भी रूप में हों, संचार के सबसे प्रचलित सिस्टम हैं। उपयुक्त तथा सटीक अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग टाइटल स्क्रीन, मेन्यूज, बटन्स के लेबल डिजाइन में महत्वपूर्ण है, ताकि आप जो कहना चाहते हैं वो सही तरीके से कहा जा सके। जिन शब्दों को आप उपयोग करना चाहते हैं उनके साथ आप दूसरों को प्रयोग करने दें। सार। टाइपफेस ग्राफिक कैरेक्टर्स के परिवार होते हैं, जिसमें कई टाइप साइज तथा स्टाइल शामिल होते हैं। सेरिफ बनाम सेंस सेरिफ टाइपफेस के वर्गीकरण का सबसे सामान्य तरीका है। एक फॉन्ट एक ही साइज तथा स्टाइल के कैरेक्टर्स का संग्रह है, जो एक खास टाइपफेस परिवार के होते हैं। टेक्स्ट कितना महत्वपूर्ण है? आकार, रंग, बैकग्राउंड का रंग, स्टाइल तथा लीडिंग वो कारक फैक्टर्स हैं जो टेक्स्ट की स्पष्टता को प्रभावित करते हैं। आप स्क्रीन पर बहुत ज्यादा टेक्स्ट तथा बहुत ही कम टेक्स्ट के बीच संतुलन रखें। जब एक हाइपरमीडिया प्रोजेक्ट में काफी मात्रा में टेक्स्ट तथा प्रतीकात्मक विषय वस्तु हों, तो इन वस्तु की इंडेक्सिंग कर इनके अंशों को लिंक किया जा सकता है, ताकि संबंधित सूचना को तीव्रता से पुनः प्राप्त किया जा सके। जब शब्दों को दूसरे शब्दों के लिए कीइंग तथा इंडेक्सिंग की जाती है, तो एक हाइपरटेक्स्ट सिस्टम प्राप्त होता है। निष्कर्ष। इस यूनिट में यूजर ने कंप्यूटर के इन सब पहलुओं का अध्ययन किया है। फॉन्ट्स तथा हाइपरटेक्स्ट, टेक्स्ट का मल्टीमीडिया में उपयोग, फॉन्ट्स फैमिलीज तथा फेसेस, आउटलाइन फॉन्ट्स, बिटमैप फॉन्ट्स, इंटरनेशनल कैरेक्टर सेट्स तथा हाइपरटेक्स्ट, डिजिटल फॉन्ट्स तकनीकें।